Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल, दिस इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू वाराणसी सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ये मेरा संवैधानिक विधि का सेवनटींथ लेक्चर है लेक्चर नंबर सेवनटीन और इसका टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध को मेंटेन करने के लिए केंद्र और राज्य को क्या क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं इस व्याख्यान के अंतर्गत हम देखेंगे और जो प्रायः यह बहस का एक मुद्दा रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र हमेशा सशक्त रहा है और केंद्र अपनी नीतियों को राज्यों को ऊपर थोकता है तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हम देखेंगे कि संघात्मक संविधान के आधारभूत तत्व के रूप में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य है और सहकारी संघवाद की स्थापना के लिए कैसे केंद्र राज्यों के साथ परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करते हुए संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है जैसा कि आप स्लाइड को देख सकते हैं मैंने केंद्र राज्य संबंधों को तीन भागों में डिवाइड किया है कि केंद्र राज्य में जो संबंध है वो विधायी संबंध कहाँ से कहाँ तक दिया गया है जो केंद्र राज्य में लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है प्रशासनिक संबंध है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है और भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय संबंध केंद्र राज्य के, के मध्य जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वित्तीय संबंध है उसको कहाँ से कहाँ तक संविधान में दिया हुआ है तो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक विधाई संबंध और आर्टिकल 256 से लेकर प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध दिए गए हैं अब हम केंद्र राज्य के मध्य विधाई संबंध भाग एक पार्ट हमने एक स्लाइड बनाया है आप उस स्क्रीन पर देखें कि केंद्र राज्य में जो विधाई संबंध है केंद्रीय संसद किस पर कानून बनाएगी और राज्य की विधानसभा किस पर कानून बनाएंगी ये मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि संविधान के आर्टिकल 245 और आर्टिकल टू 246 संविधान के अंतर्गत राष्ट्र केंद्र को मजबूत करने के लिए एक आर्टिकल 248 में पावर दिए गए हैं और संविधान के आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर संसद का निर्माण कर सकती है इसको विस्तार से चर्चा करेंगे इस स्लाइड के माध्यम से मैंने संक्षेप में इसको आपको चार ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान लिखे हैं आर्टिकल टू फोर्टी फाइव टू फोर्टी सिक्स टू फोर्टी एट एंड टू फोर्टी नाइन जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि संविधान केंद्र को कैसे मजबूत स्थिति में रखता है और केंद्र का मजबूत होना भारत जैसे देश में यह आवश्यक क्यों था संविधान निर्माताओं ने एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र को मजबूती प्रदान की कि ऐसी स्थितियों में केंद्र यदि सशक्त नहीं होगा तो वह देश की एकता और अखंडता को अछूण रख पाने में आ, समर्थ नहीं हो सकता है और भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे कि राज्यों की भौगोलिक सीमाएं अपने समयपूर्ति देशों से सटी हुई हैं यदि कोई ऐसी स्थिति आए कि कोई राज्य जो है अलग अलगाववाद की जिस तरह से हमारे भारत में प्रवृत्ति रही है अलगाववाद की मांग अगर बढ़े तो उस अलगाववाद की मांग को कम करने के लिए दबाने के लिए केंद्र का मजबूत होना सशक्त होना आवश्यक है आपने देखा होगा विगत कई वर्षों में बृहत्तर ब्रिह, नागालैंड की मांग बोडोलैंड की मांग जिस तरह से वह बढ़ी है उस तरह से केंद्र का सशक्त होना केंद्र के पास शक्ति का अधिक होना भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक है इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सेंटर को मजबूत रखा गया और उसके जो इकाइयाँ हैं जो यूनिट्स हैं वह उसको उसके ऊपर निगरानी रखने की पावर संविधान के अंतर्गत दी गई जिससे कि अलगाववाद की, की प्रवृत्तियों को दबाया जा सके और कोई भी राज्य भारत से पृथक होने की मांग न कर सके इसलिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है और आप यदि देखेंगे विश्व के लोकतांत्रिक देशों में तो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी पहले तो केंद्र उतना मजबूत नहीं था लेकिन जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऐसी कुछ घटनाएं घटी द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कि केंद्र राज्यों की शक्तियों को अपने पास लेना प्रारंभ कर दिया और ये संभव तभी हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसी स्थितियाँ आई कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भी अपने राष्ट्र को बचाने के लिए राज्यों को राज्यों के कुछ पावर राज्यों के लिए कानून बनाना अथवा राज्यों की शक्तियों को कम करने का भी मजबूरी में कम करना पड़ा इसलिए भारत जैसे विकास देश विकासशील देश में केंद्र के पास शक्ति का अधिक होना देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो डेमोग्राफी है यहाँ का जो इतिहास है इतिहास और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र का सशक्त होना केंद्र का मजबूत होना दे भारत के लिए सर्वथा या उचित है आप इसको इस संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे क्यों केंद्र को संविधान के अंतर्गत भी सशक्त रखा गया है मजबूत रखा गया है तो पहला एक संविधान को आप देखें स्क्रीन पर देखें संविधान के आर्टिकल 245 के अंतर्गत संसद के द्वारा बनाई गई विधि पूरे भारत क्षेत्र में लागू होगी और ये आर्टिकल 246 के अंतर्गत मैंने तीन सूचियां बनाई हैं संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची स्वयं संविधान इस बात की गारंटी प्रदान करता है कि भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक होगा और कच्छ की रण से लेकर के सिक्किम मेघालय तक होगा अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे देश के भौगोलिक मानचित्र और पूरे देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 245 के अंतर्गत भारतीय संसद को प्रदान किया गया है इसलिए भारतीय संसद संविधान के आर्टिकल 245 सौ के अंतर्गत रहते हुए संसद के द्वारा बनाया गया कानून भारत के सभी भूभाग पर लागू होगा जैसा कि आपने देखा होगा कुछ वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में हम प्रायः कभी कानून पढ़ते थे प्रायः लाभ देखते थे उसमें शुरुआत में प्रस्तावना में उद्देशिका में लिखा रहता था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह कानून यह विधि पूरे देश में लागू होगी अर्थात यह पूरे देश में लागू होगी इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर राज्य की जो विशेष स्थिति थी उस विशेष स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर को छोड़ करके विधि जो है पूरे देश में लागू होती थी परंतु आपने देखा होगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को यूटी घोषित कर दिया गया और ये तभी संभव हुआ जब केंद्र की सशक्त सरकार ने केंद्र की मजबूत सरकार ने, ने देश में कैसी व्यवस्था लागू की जब पूरा एक देश एक विधान एक कानून और संसद के द्वारा बनाया गया कानून अब जब लिखा जाता है कानून में तो देश का प्रस्तावना में लिख दिया जाता है कि संसद के द्वारा बनाई गई यह विधि भारत जम्मू कश्मीर सहित भारत के सभी क्षेत्र पर लागू होगी पहले सहित की जगह रहित रहता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी भूभाग पर लागू होगा तो अब स्थितियाँ ऐसी नहीं अब संसद के द्वारा बनाए गए कानून को प्रस्तावना में ही लिख दिया जाता है कि इस संसद के द्वारा बनाया गया यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य सहित भारत के समस्त भूभाग पर लागू होगा स्वयं भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 में ही लिखा हुआ है कि भारतीय संसद ऐसा कानून भी बना सकती है कि जो भारत की संपत्ति अगर विदेश में है या भारत का नागरिक अगर विदेश में है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो भारतीय व्यक्ति पर विदेश में भी कहीं लागू होता है तो मात्र इस पर अवैध नहीं समझी जाएगी कि उसका प्रभाव उसका उसका विस्तार क्षेत्र किसी विदेशी भूभाग पर है तो इस तरह से हम इस प्रावधान के अंतर्गत देखते हैं कि संसद को अधिकार दिया गया है कि कानून का जो प्रभाव क्षेत्र कहाँ होगा संसद के द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार क्षेत्र कहाँ होगा ये हमने देखा आर्टिकल दो के अंतर्गत और स्वयं आर्टिकल 245 में भी प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि उस राज्य के भूभाग पर लागू होगा अब संसद किन विषयों पर कानून बनाएगी राज्य विधानमंडल किन विषयों पर कानून बनाएगा इसको भी आवश्यकता इस बात की थी कि इसको स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया जाए स्पष्ट रूप से लेखबद्ध कर दिया जाए भारतीय संविधान में कि गतिरोध उत्पन्न होने पर किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर राज्य यह कह सके कि उसके द्वारा राज्य सूची पर विषय बनाया गया संघ संसद के द्वारा विवाद होने पर किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो विवाद न हो इस सुनिश्चित करने के लिए संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत तीन सूचियां दी गई तीन लिस्ट दी गई हैं उन तीन सूचियों के अंतर्गत सबसे पहला है संघ सूची दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समर्थी सूची तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होगा अब संसद किन सब्जेक्ट मैटर क्या है मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान की प्रकृति में जब बता रहा था अपने पूर्व व्याख्यान में लेक्चर में कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह है संघात्मक है अर्थात संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन सेपरेशन ऑफ पावर जो है वह संघात्मक सरकार का प्रमुख तत्व है सैलिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज सेपरेशन ऑफ पावर तो शक्तियों का विभाजन संघात्मक सरकार का प्रमुख आवश्यक तत्व है मैंने पूर्व के व्याख्यान में आपको बताया था कि शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है संविधान निर्माताओं को यह ज्ञान था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों को जब तक विभाजित नहीं किया जाएगा तब तक संसद केंद्रीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में यह हमेशा एक परस्पर विरोध चलता रहेगा तब जब केंद्र और राज्य में दलीय असमानता होगी राजनीतिक दल की असमानता होगी केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होगी और राज्य में किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार होगी तो राज्य विधानसभा कुछ कानून बनाए केंद्र कुछ कानून बनाए इसलिए संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि मैं ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे वह केंद्रीय लिस्ट में होंगे केंद्रीय सूची में होंगे हम जिसको संघ सूची यूनियन लिस्ट बोलते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय में जैसे मैंने बताया प्रतिरक्षा संचार विदेशी मामले इस पर जो कानून बनाना है केवल और केवल संसद कानून बनाएगी जो क्षेत्रीय महत्व के क्षेत्रीय मुद्दे होंगे जो स्थानीय मुद्दे होंगे उन पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल को होगा जिसे राज्य सूची के अंतर्गत दिए गए हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जिस जिसपे संसद भी कानून बना सके और राज्य विधानसभा कानून बना सके जिससे कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद की स्थापना भारत में की जा सके कभी भी केंद्र राज्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो केंद्र राज्य परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करें इस सुनिश्चित करने के लिए एक तीसरी लिस्ट दी गई जो समवर्ती सूची के नाम से कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानी जाती है उस सूची में उल्लिखित जितने भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन किए गए हैं उन सभी विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं मैंने आपको बताया कि संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची तीन विषय हैं संविधान के आर्टिकल टू के अंतर्गत यूनियन लिस्ट में जो 97 सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं उन सभी सब्जेक्ट मैटर पर कानून बनाने का एकाधिकार भारतीय संसद को है राज्य सूची में जो 66 विषय हैं छाछठ विषय हैं उन राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया समवर्ती सूची में जो सैंतालीस फोर्टी सब्जेक्ट मैटर हैं उन विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकती हैं तो ये मैंने बताया कि संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो प्रावधानित विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को राज्य विधानमंडल को दी गई है और यह बेहतर है आवश्यक है मैंने बताया आवश्यकता किस बात क्यों ये ऐसा अलग अलग प्रावधान किए गए अब ये देखते हैं कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसको आप स्क्रीन पर देखें मैंने तीसरा कंपोनेंट स्क्रीन पर ये जो लिखा है अवशिष्ट शक्तियां संविधान के आर्टिकल 248 के अंतर्गत यह अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो जिस वे सभी मामले जिसकी कल्पना वर्ष उन्नीस में नहीं की जा सकती आने वाले समय में जो भी मुद्दे राष्ट्रीय महत्व के उभरेंगे उभर करके आएंगे उन सभी को अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत मानते हुए वे पार्लियामेंट को दी जाएं संसद के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि जिस किसी भी विषय पर वह समझता है कि कानून बनाना है भारतीय संसद उस किसी भी विषय पर कानून बना सके जो हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको राज्यों को न दिया जाए राज्य विधानमंडल को न दिया जाए इसलिए कि एक कहीं कहीं एक आशंका इस बात की थी मन में कि यदि किसी राज्य को अगर हमें पावर देंगे और राज्य की सरकार मुख्यमंत्री अगर हमारे किसी विदेशी किसी आ, समीप के किसी राष्ट्र से अगर वह उसकी दुरभ संधि हो जाए आपस में कोई गठबंधन कोई ऐसी किसी बात को लेकर एग्रीमेंट हो जाए और अलग राष्ट्र की मांग करने लगे तो यह भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा इसलिए राज्यों को यह पावर न देते हुए यह पावर केंद्रीय संसद को दे दिया गया कि वे कोई भी इशू मुद्दा मामला जो राष्ट्रहित से जुड़ा होगा उस पर कानून केवल और केवल भारतीय संसद बनाएगी राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा आप कल्पना करिए मणिपुर के मामले में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा अगर कानून बनाने का अधिकार दिया जाए या जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए तो ये किस प्रकार की विधानसभाएं किस प्रकार के कानून बनाएंगे तो इसलिए संसद को मजबूत स्थिति में लाना यह संविधान निर्माताओं ने सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रावधान केंद्रीय संसद को दिए हैं इसलिए संविधान के आर्टिकल टू फोर्टी एट के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का पावर संसद को दिया गया है यह डिफाइन नहीं है कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होंगी ये पावर मिला है पार्लियामेंट को डिसाइड करने का कि जब कोई भी मुद्दा आता है जिससे लगता है कि इस पर कानून बनाना है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगी और राज्य भले हुआ राज्य के लिए ही क्यों ना हो भले हुआ राज्य के विषय से संबंधित हो लेकिन उस पर कानून संसद को बनाने का अधिकार दिया गया है अब एक स्थिति आती है प्रायः यह राज्यों का आक्षेप रहता राज्य यह आरोप लगाते हैं केंद्र पर कि केंद्र सरकार उनके मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है आर्टिकल दो के अंतर्गत ये पावर दिया गया है कि कब कोई मुद्दा जब पहले वह राज्य स्तर का हो क्षेत्रीय मुद्दा हो परंतु यदि उसकी व्यापकता इतनी ज़्यादा हो जाए कि वह राष्ट्रहित को प्रभावित करने लगे तो क्षेत्रीय हित जब क्षेत्र जो रीजन का कोई क्षेत्र विशेष का मामला राष्ट्रहित को प्रभावित करने लगे तो उस राष्ट्रहित के मुद्दे को उसे राष्ट्रीय मुद्दा मानते हुए संसद कानून बनाएगी मेरी मैं इसको पुनः रिपीट करूँ कि ऐसे कोई मामले जो राज्य सूची में वर्णित है लेकिन राज्य सूची में वर्णित हुआ वर्ष उन्नीस में जब संविधान बनाया गया उस समय वह मुद्दा बिल्कुल राज्य स्तर का था इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि राज्य विशेष का मामला है इसको राज्य सूची में रख दिया जाए और राज्य की विधानमंडल इस पर कानून बनाएगी परंतु वह समय बदलते हुए समय परिवेश के 50 वर्ष आज़ादी 70 वर्ष आज़ादी के पश्चात अगर हम देखते हैं 75 वर्ष पश्चात कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद अगर देखते हैं कि वह मुद्दा जो 75 वर्ष पूर्व क्षेत्रीय मुद्दा था आज वह राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है तो अब वह राज्य विधानसभा को उस पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए उस विषय पर कानून बनाने का पावर संसद को होना चाहिए यह कौन डिक्लेयर करेगा यह पावर दे दिया गया कि जो संसद की उच्च सदन है राज्यसभा जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा यदि किसी राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय को दो तिहाई बहुमत से यह प्रमाणित कर दे कि राज्य सूची का यह विषय अब राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो राज्य सूची के उस किसी भी विषय को जो राज्यसभा प्रमाणित कर दे कि यह राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मामला है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाएगा और राज्य विधानसभा उस पर कानून नहीं बना सकती हैं तो ये ये पावर क्यों दिया गया संसद को आप देखें और संसद के राज्यसभा को ही क्यों दिया गया राज्यसभा को माना जाता है कि उच्च सदन है और उसमें जो सदस्यों का प्रतिनिधित्व है वह कम है और उसमें प्रायः जो समाज के अधिकांश ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राज्यसभा में होते हैं वह किसी क्षेत्र में बहुत विशिष्ट योगदान रखते हैं समाज सेवा में हो शिक्षा के क्षेत्र में हो विज्ञान के क्षेत्र में हो तो उनकी उनका दृष्टिकोण व्यापकता या उनको इस ये पावर दे दिया गया कि ये सदन अगर डिसाइड कर दे दो तिहाई बहुमत से प्रमाणित कर दे कि राज्य सूची का जो राज्य विधानसभा जिसपे कानून बनाने थी बनाती थी पहले अभी राज्य सूची का विषय है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद को इस 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 विषय को संसद को दे दिया जाए तो उस विषय पर संसद कानून बनाएगी अब इसी को लेकर के राज राज्य विधानसभाएं राज्य सरकारें आक्षेप करती हैं आरोप लगाती हैं केंद्र पर कि केंद्र जो है उनके मामलों में राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर रही है और ऐसा इसलिए कदापि नहीं है कि आप देखें जैसे अभी एक जी का, का कानून बना टैक्स संशोधन से संबंधित कानून बना तो जी या सीसाइट जो सेंट्रल से सेंट्रल सेल्स टैक्स की बात है सी एस टी बोलते हैं उसको तो जी एस टी और सी एस टी का जो कानून भारत में लाया तो एक कर प्रणाली एक मतलब एक कराधान व्यवस्था सिंगल टैक्सेशन प्रोविज़न को करने के लिए कि पूरे देश में एक आ, टैक्स प्रणाली हो ये लाने के लिए कि केंद्रीय कानून बनना चाहिए तो और यह करता है राज्य केंद्र सरकार क्या करती है इनकम टैक्स जैसे वसूलती है आयकर वसूल करके टैक्स वसूल करके और उसमें उस पैसे से राज्यों को दे रही है वो पैसे राज्यों पर खर्च किए जा रहे हैं तो ये आरोप लगाना कि ये राष्ट्र जो राज्य सूची के विषय हैं इस पर भी केंद्र कानून बना रही है ये राज्यसभा को ये पावर संविधान में दिया हुआ है और ये जब संविधान बना था उन्नीस में तब से ये प्रावधान है तो इस तरह से कभी कभी हम देखते हैं प्राय गलतफहमी भी हो जाती है गलत व्याख्या होने लगती है कहने का तात्पर्य है कि राज्य सूची में यदि कोई विषय है और वह विषय राज्यसभा के द्वारा दो तिहाई बहुमत से यह प्रमाणित कर दिया जाए राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा कि अब यह विषय राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है इस पर संसद कानून बनाए तो संसद कानून बनाएगी राज्य विधानमंडल कानून बनाने का अधिकार उस पर नहीं रखती तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है केंद्र के द्वारा किस मामलों में कानून बनाया जाएगा राज्य विधानमंडल किस विषय पर कानून बना सकती है इसका स्पष्ट प्रावधान संविधान के अंतर्गत ही कर दिया गया है एक लाइन खींची गई है डिमार्केशन किया गया है कि स्टेट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है और सेंटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है दायरे में उस संवैधानिक दायरे में रहते हुए राज्य राज्य विधानमंडल को कानून बनाना है और संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही भारतीय संसद को भी कानून बनाना है ये दोनों संस्थाएँ अपना अपनी लाइन अपने से नहीं खींच सकती हैं दोनों जो बॉडी हैं लेजिस्टिव बॉडी हैं इन दोनों के लिए जो बाउंड्री डिसाइड की गई है डिमार्केशन जो किया गया हुआ डिमार्केशन संविधान के द्वारा किया गया है इसलिए उस संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए दायित्वों का संवैधानिक दायित्वों का संसद और राज्य विधानमंडल निर्वहन करने के लिए बाध्य दें तो मैंने ये बताया कि आर्टिकल 245, 246 और 248, 249 के अंतर्गत कैसे केंद्र को सशक्त रखा गया है केंद्र को मजबूत रखा गया है कि केंद्र कानून बनाए अब आते हैं केंद्र राज्य विधायी संबंध मैंने पार्ट टू करके स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है अब वे कौन से प्रावधान हैं जिस पे केंद्र की विधानसभा को ज्यादा पावर दिया गया है और केंद्र की संसद को ज्यादा पावर दिया गया है अब इसको मैंने चार प्रावधान है आर्टिकल 250, फिफ्टी टू फिफ्टी टू टू और आर्टिकल 356। इसको एक एक करके देखेंगे आर्टिकल 250 में देखें जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो उस दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद विधि निर्माण की शक्ति होती है राज्यों की सहमति से राज्यों के लिए संसद के विधि निर्माण की शक्ति आर्टिकल दो सौ बावन अंतरराष्ट्रीय जो एग्रीमेंट है अंतर्राष्ट्रीय करार है उनको लागू करने के लिए संसद के विधि निर्माण की शक्ति आर्टिकल टू फिफ्टी थ्री में दिया हुआ है और जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य की सत्ता व्यवस्था वह केंद्र के अधीन हो जाती है ये पावर दिया गया आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंतर्गत तो अब देखते हैं कि सेंटर स्टेट जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है केंद्र राज्य जो विधाई संबंध है उसमें कब राज्य सूची के विषय पर केंद्र केंद्रीय संसद कानून बना सकती है अभी तक हमने देखा कि केंद्र की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बनाए मैंने अभी ठीक इसके पहले आपको बताया कि भारतीय संविधान में तीन सूचियां हैं संघ सूची राज्य सूची समोति सूची और जो तीन लिस्ट दी गई हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट उन तीन लिस्ट में अलग अलग विषय हैं और उन अलग अलग विषयों पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्लियामेंट यूनियन यु, लिस्ट में बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वह स्टेट लिस्ट में के विषय पर कानून बनाएंगे बिल्कुल सबके डिमार्केशन किया गया है कि किसको कहाँ पर कानून बनाना है परंतु आपवादिक परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में जब देश पर आ, दे, देश पर कोई संकट आए जब देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उस आपातकालीन स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या राज्य विधान मंडल रहना चाहिए या राज्य विधानसभा अपनी कानून बनाए या केंद्र कानून बनाए तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं के द्वारा यह प्रावधानित किया गया कि जब देश किसी संकट से गुजर रहा हो और देश के सामने कोई बड़ा संकट हो नेशनल राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर केंद्रीय संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है और राज्य विधानसभा उस पर कानून नहीं बना सकती इसका यह कदापि अर्थ नहीं कि राज्य विधानसभा भंग होती है राज्यसभा राज्य विधानसभा कानून नहीं बना सकती है परंतु जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो राष्ट्रीय आपात की दशा में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा राज्य सूची के विषय पर भी और यदि राज्य की सरकार कोई आक्षेप करे कोई आरोप लगाए कि यह राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना रही है या यह जो विषय है वह राज्य सूची में दिया गया है इस पर राज्य की विधानसभा कानून बनाने का अधिकार रखती है तो उस समय राज्य सरकार का यह आक्षेप निश्चित रूप से देश के लिए देश हित में नहीं होगा और कोई भी राज्य सरकार ऐसा आक्षेप नहीं कर सकती आरोप लगा सकती है जो यह कहे कि राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय संसद कानून बना रही है उसका कारण और कारण यह है कि आप अगर उदाहरण के रूप में देखें कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा देश में इमरजेंसी लागू की गई भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वह अक्टूबर 1962 में उन्नीस में जब इंडिया चाइना का वार हुआ चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया उन्नीस में तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई और उस दौरान अरुणाचल प्रदेश जो नेफा है नेफा पर उसमें चा चीन ने आक्रमण किया तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए या समीपवर्ती जितने भी चीन से सटे हुए राज्य थे भारत के उन सभी राज्यों के लिए भारतीय संसद के द्वारा कानून बनाए जा रहे थे और भारतीय संसद के द्वारा कानून का बनाया जाना उस परिस्थितियों के लिए सर्वथा उपयुक्त भी कहा जाएगा इस प्रकार चीन युद्ध के दौरान जो आपात लागू हुआ राष्ट्रीय आपात लागू की गई और राज्य के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया वह विशेष परिस्थितियों में दिया गया दूसरा हमको दृष्टांत मिलता है भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 1965 के दौरान 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो उस दौरान भी कुछ मामलों में केंद्र की संसद ने अपने आ, समीपर अपने कुछ प्रभावित राज्यों के लिए कानून बनाया 1971 1971 में जो भारत में राष्ट्रीय आपात लागू किया सॉरी जो तीसरा जो कंडी तो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई 1975 में 1975 में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए परामर्श के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई उस राष्ट्रीय आपात की घोषणा में उन्नीस में संसद को यह पावर हो गया कि पूरे देश के लिए जहाँ पर राष्ट्रीय आपात लागू है विधानसभाओं को छोड़ करके संसद केवल और केवल संसद कानून बनाने का अधिकार मैंने इसके पहले व्याख्यान में आपको बताया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान उनतालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 कानून बनाया गया था उस दौरान बनाया गया था जब राष्ट्रीय आपात लागू था और बहुत सारे विपक्ष के संसद सदस्य को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था और वह जेल में थे उसी बीच में संसद का सत्र बुला करके और संसद ने कानून बना दिया और जिस कानून में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को वैध 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 था वैध रहे वैध रहेगा इस प्रकार से कानून बनाए गए वर्ष उन्नीस में आपने इतिहास उसको देखें संविधान में तो यह जो संविधान के अंतर्गत यह विशेष पावर केंद्र की संसद को दिया गया है वह संविधान निर्माता जब ये संविधान बना रहे थे उन्नीस में तो उनको ये लगा होगा कि भारत में जब ऐसी कभी कोई परिस्थिति आए इमरजेंसी उत्पन्न हो तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र को थोड़ा मजबूत रखा जाए केंद्र के पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए और उसका कारण मैंने बताया कि केंद्र को मजबूत होना क्यों आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में ये आर्टिकल 250 हो गया दूसरा इसमें है आर्टिकल 252 देखें स्लाइड पर मैंने राज्यों की सहमति के लिए यदि राज्य दो या दो से अधिक राज्य सहमति देते हैं तो संसद राज्य की विधानसभाओं के लिए कानून बनाती है तीसरा आर्टिकल दो तिरपन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद की विध निर्माण की शक्ति है अब इसको एक एक करके देखते हैं कि कैसे राज्यों के लिए कानून संसद बना सकती है तो अब देखें ये सबसे आदर्श स्थिति कौन हो सकती है आइडियल आइडियल पोजीशन कौन हो सकती है कौन सा ऐसा राज्य होगा जो ये कहेगा कि संसद कानून बनाए और हम ऐसे बैठे रहें राज्य विधानमंडल राज्य विधानसभा के सदस्य जन निर्वाचित जनप्रतिनिधि वह वा इस वादे के साथ जनता के साथ वादा करके वह वा सदन में विधानसभा में आते हैं कि पाँच वर्षों के लिए उनके लिए कानून बनाएंगे और वह आकर के यह अधिकार संसद को दे दें कि आप कानून बनाइए और हम पाँच वर्ष तक बैठे रहें खैर ऐसा नहीं इस, इस सोच के साथ ये प्रावधान नहीं रखा गया यह प्रावधान इसलिए रखा गया कि केंद्र और राज्य में परस्पर सहयोग बना रहे सहकारी संघवाद हो एक दूसरे में कोऑपरेशन की भावना सहयोग की भावना हो और जो छोटे राज्य हैं भौगोलिक रूप से छोटे हैं जनसंख्या के आधार पर जो छोटे राज्य हैं अगर वहाँ उनको लगता है कि उनके लिए संसद जो कानून बनाया वही उचित है तो वह राज्य केंद्र संसद से एक, आ, मांग कर सकते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाइए और हम आपके द्वारा बनाए गए कानून के प्रति सम्मान प्रकट करेंगे यह विशेष करके उन राज्यों के लिए जैसे चंडीगढ़ है अंडमान निकोबार है लक्षद्वीप है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी भौगोलिक जो जो भौगोलिक रूप से और जनसंख्या के आधार पर छोटे राज्य हैं उन राज्यों के लिए संसद कानून बनाती है तो मैं नहीं समझता कि इसमें संविधान निर्माताओं की एक सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रावधान किए गए होंगे लेकिन अब जो राज्य भौगोलिक रूप से और जनसंख्या के आधार पर बड़े हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की विधानसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि अब संसद कानून बनाए और हम लोग इसके उसको मानेंगे तो यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है तो ये प्रावधान जो किया गया वह छोटे राज्यों के भौगोलिक और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कि यदि राज्य इस प्रकार की स्थिति व्यक्त करे राज्य सहमति व्यक्त करे तो राज्य दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बना सकती है और इससे बेहतर आदर्श स्थिति नहीं हो सकती देश में कि राज्य यदि सहमत हो रहे हैं कि हम केंद्र जो संसद कानून बनाए उसको अच्छर से उसका पालन करेंगे परंतु जैसे आपने देखा कि पंजाब और हरियाणा है उसमें चंडीगढ़ है दिल्ली है ये ऐसे कुछ राज्य थे जो जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल कम था और इस समय जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय संविधान निर्माताओं ने एक विशेष परिस्थितियों में नियम तो नहीं है विशेष परिस्थितियों में आपवादिक परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप एक कानून बनाने का पावर संसद को दिए जाने की बात कही थी अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो एग्रीमेंट होते हैं इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट होते हैं जैसे भारत सरकार समझौता करती है रूस से अमेरिका से समझौता करती किस पे एटॉमिक प्लांट लगाने के लिए परमाणु कोई प्लांट लगाने के लिए तो एटॉमिक प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार रूस या अमेरिका से समझौता करती है तो ऐसी स्थिति में ये पावर किसको देना चाहिए स्टेट को देना चाहिए या सेंटर को देना चाहिए तो संविधान में और विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों ने यह पावर हमेशा केंद्र के पास रखा है कि अगर ये स्टेट को मिलेगा तो पता चला कि केंद्र से ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे वह स्टेट लगेगी करने और वो तब जब केंद्र और राज्य में दलीय समानता हो केंद्र में किसी दूसरे पार्टी की सरकार हो राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार हो तो राज्य जो है को अगर ये पावर मिला होता तो स्टेट जो है वो हमेशा किसी दूसरे कंट्री विदेश उस उस राष्ट्र से और भारत जैसे देश में उस देश से समझौता करती जिस देश से भारत का भारत के केंद्र सरकार की अच्छे संबंध नहीं होते तो शायद इस प्रकार की भी स्थिति उत्पन्न होती कि वहाँ समझौते करने का कुछ दूसरा उद्देश्य होता कोई दूसरा मसौदा होता इसलिए जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होंगे अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधियाँ होंगी वे केवल और केवल केंद्र की सरकार केंद्र की संसद के द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे और उसे प्रमाणित किए जाएंगे और ये संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की सभी संधियाँ एग्रीमेंट भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और संसद में उसका अनुमोदन किया जाएगा और उस पर कानून बनाया जा सकता है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय करार को इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करने वाले जितने भी प्रावधान होंगे उस पर एकमात्र अधिकार केंद्र की संसद को होगा केंद्रीय संसद जैसे कि आपने देखा होगा एक उन्नीस uh, में 1995 में डब्ल्यू का जब गठित हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन और उस पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ाने के लिए निर्बाध रूप से बढ़ाने के लिए कोई उस पर आयात कर न लगे निर्यात को उस पर कर टैक्स न लगे निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के टैक्स के बाधा के व्यापार हर देश एक दूसरे देश में जाके कर सके और नियम कानून थोड़ा सा उदार बनाए जाएं इसको लिए उन्नीस में डब्लू के द्वारा एक उस एग्रीमेंट पे भारत पक्षकार इंडिया अगर समझौता करता है तो यह भारतीय संसद उस पर कानून बनाने का अधिकार रखती है मैंने आपको बताया जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे वो भारतीय संसद के द्वारा अनुमोदित होंगे वो भारत सरकार उस पर निर्णय लेगी संसद के द्वारा उस पर कानून बनाए जाएंगे कारण भी मैंने बताया कि क्यों ऐसा होना चाहिए अब आते हैं कि केंद्र की संसद का हमने देखा कि केंद्र की संसद राज्य सूची में कब कानून बना सकती है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो आर्टिकल दो के तहत दूसरा मैंने बताया कि जब राज्यसभा प्रमाणित कर दे कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है तो राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र की संसद कानून बना सकती है और दूसरा राज्यों की सहमति से राज्य की राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून संसद बना सकती है अब ये चर्चा करने का तीसरा जो चौथा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई हो तो स्वाभाविक है कि जब विधानसभा अस्तित्व में नहीं है कानून नहीं बना सकती है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र के संसद के द्वारा कानून निर्माण होता है मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 356 पर भी आक्षेप किया जाता है और ये आपको मैंने सबसे पहले ही बताया था कि सबसे विवादास्पद प्रावधान संविधान का आर्टिकल तीन है तीन सौ छप्पन राष्ट्रपति शासन लागू करना हम जिसको यद्यप कि राष्ट्रपति शासन शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है परंतु संविधान के आर्टिकल तीन सौ छप्पन ये प्रावधान करती है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो और राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चलाई जा सके तो राज्य की सरकार की समस्त शक्तियाँ राज्य सरकार को भंग कर राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ केंद्र में प्रयुक्त होंगी केंद्र के द्वारा संचालित होंगी ऐसी स्थिति में जब विधानसभा भंग हो गई है तो उस राज्य के उस संबंधित राज्य के लिए कानून केंद्र की संसद के द्वारा बनाया जाता है और ग्राउंड ही मैंने बता दिया कि आर्टिकल तीन में स्वयं लिखा है कि राज्य की विधानसभा कम भंग की जाएगी और उसके लिए कानून और संसद कब बना सकेगा ये जितनी भी मैंने अभी तक चर्चा किया है केंद्र राज्य विधायी संबंध के अंतर्गत आपने देखा कि ये सब अपवादिक परिस्थितियां हैं सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में विषय जितने भी, भी राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जाएंगे और जो संघ सूची के विषय हैं उसमें संसद बनाने का अधिकार रखती है ये जो मैंने परिस्थितियाँ बताई हैं ये अपवाद एक्सेप्शन है और अपवाद नियम नहीं होता नियमतः यही नियम यही है कि राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर राज्य विधानमंडल ही कानून बनाएगी अपवाद एक्सेप्शन है ये 99 परसेंट में अगर बात कहूँ तो 99 परसेंट मामलों में राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे और संसद संघ सूची में तो कानून बनाती है उस पर कोई डाउट ही नहीं है लेकिन एक परसेंट आउट ऑफ हंड्रेड एक परसेंट ऐसे अपवाद एक्सेप्शन हैं जहां पर कि राज्य विधानसभा को बाहर रखते हुए कानून बनाने से उसे विरत रखते हुए उस उसके मामले को भी राज्य के मामले को भी केंद्र ले सकता है और केंद्रीय संसद राज्यों के लिए कानून बना सकता है तो ये एक परसेंट ऐसे मामले हैं उसको ये नहीं समझना है कि नियम वही है जो अभी मैंने बताया नियम नहीं है यह विशेष परिस्थितियों में आपवाधिक परिस्थितियों में संघ की संघ की संसद को कानून बनाने का अधिकार राज्य के मामलों में दिया गया है राज्य सूची के विषय पर दिया गया है तो इसको आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल टू 252 और 253 मैंने बताने का प्रयास किया और इसमें तीन के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया कि कब केंद्र की संसद राज्य के लिए विधान बना सकती है कानून बना सकती है अब आते हैं कि केंद्र राज्य में प्रशासनिक संबंध क्या है ये तो हो गया विधायी संबंध कानून संबंधी संबंध, संबंध अब स्क्रीन पर आप देखें केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध क्या हैं वह है आर्टिकल दो में मैंने लिखा है संविधान में कि केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश देने की पावर सेंटर रखता है कब देगा अभी एक संविधान के आर्टिकल 312 है जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति हो सकती है हुँ? ये आल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं और तीसरा है केंद्रीय अनुदान इसको आर्टिकल टू के अंतर्गत देखेंगे एक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत इसको देखने का प्रयास करते हैं अब ये देखें कि सेंटर और स्टेट में जो प्रशासनिक संबंध है कब केंद्र के द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाएगा ये संविधान के आर्टिकल टू फिफ्टी सिक्स में लिखा हुआ है और 256 में ग्राउंड भी बता दिए गए हैं कि कब ऐसा निर्देश दिया जाएगा आप इसको देखें कि केंद्र सरकार किसी भी ऐसे मामले पर जो राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है परंतु वह मामला राज्यों के भी राज्य के हित को भी प्रभावित करता है ऐसी स्थिति में राज्य की शासन व्यवस्था संविधान सम्मत करने के लिए राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है उदाहरण के तौर पर दृष्टांत के रूप में इसको समझें कि जैसे रेलवे का निर्माण करना है रेलवे लाइन जब भी जाएगी तो राज्य की भौगोलिक सीमा से होके जाएगी भले रेलवे जो है वो केंद्र का विषय है रेलवे पर जो भी कानून बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी स्टेट को कोई राइट नहीं है बनाने का कानून तो अब राज्य की सरकार अगर यह कह दे कि मैं रेलवे लाइन को रेलवे ट्रैक को बिछाने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि जमीन मेरी है ये मेरी स्टेट में आती है तो राज यह राज्य यह केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में उस राज्य में कि उस राज्य की सरकार को भंग करके केंद्रीय सरकार का शासन वहाँ पे लागू करना राष्ट्रपति शासन लागू करना विधि सम्मत होगा स्वयं संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन राज्य सरकार के द्वारा न करना यह उल्लंघन संविधान माना जाएगा कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि केंद्र के द्वारा जो निर्देश राज्य को दिए जा रहे हैं वे निर्देश संविधान सम्मत हों अगर वह निर्देश संविधान सम्मत नहीं है तो वे निर्देश मानने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं ये और ये डिसाइड कौन करेगा ये ये उच्चतम न्यायालय डिसाइड करेगा अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है कि सेंटर ने ये दिशा निर्देश दिया राज्यों को लेकिन जो ये दिशा निर्देश दिया है राज्यों को यह गलत है कोई भी अगर दिशा निर्देश इस प्रकार का है कि सेंटर अगर राज्यों से कहे कि आप जो भी टैक्स वसूलते हैं उस पूरा टैक्स आप जो है इस केंद्रीय इस केंद्र की सरकार को जमा करिए वापस करिए तो यह भी एक प्रकार का दिशा निर्देश गलत माना जाएगा क्योंकि अगर जो टैक्स वसूलने का पावर अगर स्टेट को है सेल टैक्स जैसे बोलते हैं बिक्री कर बोलते हैं तो सेल टैक्स वसूलने का पावर अगर स्टेट को है वह उसको यूज भी करेगी विकास अपने विकास कार्यों में लगाएगी उसको केंद्र ले नहीं सकता है तो इस प्रकार का अगर कानून दिशा निर्देश दिया जाए तो यह दिशा निर्देश संविधान सम्मत नहीं माना जाएगा लेकिन देश के विकास के लिए यदि रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है रेलवे का विस्तार किया जा रहा है तो यह दिशा निर्देश संविधान सम्मत होगा और राज्य सरकारें मानने के लिए ऐसे दिशा निर्देश को बाध्य होंगे दूसरा जैसे नदियों का जल बंटवारा है अगर कोई राज्य यह कह दे कि मैं अपने नदी के जल को जो है दूसरे स्टेट में नहीं जाने दूंगा डाइवर्ट करके इसी और दूसरा जो स्टेट है वहाँ पर भोजन जो खाद्यान्न सामग्री है वह प्रभावित हो किसानों के हित प्रभावित हो वहाँ का वहाँ की पैदावार प्रभावित हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार संबंधित राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि जिस नदी जो नदी उस राज्य से होके जा रही है उस नदी के जल को जो वाटर है उसको डाइवर्ट न करे संग्रह न करे दूसरे राज्य में भी उसको छोड़े दूसरे राज्य को भी जल दे जिससे कि किसानों के जो आ, अनाज है उत्पादन बढ़ाई जा सके और उनके हितों की रक्षा की जा सके तो ये जितने निर्देश होंगे ये निर्देश केंद्र राज्य सरकार को दे सकती है और ये संविधान सम्मत माने जाएंगे और स्टेट अगर ऐसा दुरुपयोग जैसा कि कावेरी जल विवाद के मामले में हुआ था कावेरी नदी के जो पानी है वाटर है कर्नाटक सरकार ने कहा कि मेरे जो स्टेट में ज़्यादा बहती है तो मैं इसको पानी तमिलनाडु राज्य को नहीं दूंगा जिससे कि तमिलनाडु में आ, आ, किसान प्रभावित किसानों के आ, जो फसलें हैं प्रभावित हो गई पानी के बिना तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि ऐसा कोई स्टेट नहीं कर सकता ये स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है जो नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर सभी राज्यों का समान हक है और एक ही राज्य उससे उसका उपभोग नहीं करेगा दूसरे राज्य को बर्बाद करके तो ऐसी स्थितियों में केंद्र राज्य को डायरेक्शन दे सकती है अगर डायरेक्शन नहीं माना जाएगा तो क्या इसका कॉन्सिक्वेंस परिणाम है स्वयं संविधान में कहा गया है कि उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे केंद्र की राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और ये तब तक चल सकता है जब तक कि वह राज्य सरकार इस बात की गारंटी न दे कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी तो ये एक प्रकार से केंद्र राज्य संबंध हो गया आर्टिकल टू हो गया जिसमें केंद्र के द्वारा राज्य को निर्देश देने की बात कही गई है दूसरा देखें आर्टिकल 312 के अंतर्गत संविधान के में ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 312 के अंतर्गत कि अखिल भारतीय सेवाएं जो ऑल इंडिया सर्विसेज़ होती हैं इनके कहा जाता है कि नियुक्ति तो करता है केंद्र जो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा उनकी उनका अपॉइंटमेंट केंद्रीय सरकार करती है परंतु केंद्रीय सरकार नियुक्ति के पश्चात उनका जो अपॉइंटमेंट होता है राज्यों में होता है स्टेट में होता है और वह केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं परंतु उनकी नियुक्ति जो है स्टेट में है और वह केंद्र के हितों को राज्य में ला कर के और राज्य के हितों को केंद्र और राज्य में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए वह केंद्र के अभिकर्ता के रूप में एजेंट प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करते हैं कहा जाता है कि ये जो केंद्रीय अखिल भारतीय सेवा के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये केंद्र के केंद्र के ये आँख और कान होते हैं मतलब ये केंद्र सरकार उन्हीं आँखों से इन प्रशासनिक अधिकारियों की आँखों से वह देखती है कि उन राज्यों में क्या कार्य हो रहे हैं राज्यों में शासन व्यवस्था सही चल रही है नहीं चल रही है और कान से तात्पर्य यहाँ पे है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा बताई गई नीतियों को बताई बताई गई बनाए गए कानूनों को राज्यों में जा कर के लागू करवाते हैं जी उदाहरण के तौर पर जितने जिलाधिकारी हैं आपने देखा होगा इनकी नियुक्ति जो है स... केंद्र करती है अपॉइंटमेंट का पावर जो है केंद्र सरकार को है लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है ये राज्यों में होती है तो राज्यों में जा के ये केंद्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के हित को तो सुनिश्चित करते ही करते हैं केंद्रीय नीतियों को भी लाभकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं यह हमारा केंद्र राज्य के मध्य जो पारस्परिक प्रशासनिक संबंध है उसको भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन प्रावधानों के तहत सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कैसे करते हैं मैंने आपको बता भी दिया कि अखिल भारतीय सेवा के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और कार्य करते हैं कार्य क्षेत्र जो उनका होता है वह राज्य का होता है स्टेट में जाके कार्य करते हैं अब आते हैं तीसरा स्लाइड पर देखें केंद्रीय अनुदान है केंद्रीय अनुदान के विषय में भी ये बात की गई केंद्रीय अनुदान का मतलब है कि संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया कि भारत सरकार ऐसे राज्यों को केंद्रीय अनुदान देगी मतलब आर्थिक सहायता देगी जो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं गरीब राज्य हैं अगर मैं आपको इसी स्क्रीन पर ही लिखने का प्रयास करूं, थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे एक बीमारू स्टेट इकोनॉमिक्स ने जितने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा बीमारू स्टेट बीमारू स्टेट इसको सिक स्टेट बोलते हैं सिक स्टेट मतलब बीमारू स्टेट इंग्लिश में मैंने इसको देखिए स्क्रीन पर लिखने का प्रयास किया है बी आई एम एम ए आर यू बीमारू स्टेट तो इकोनॉमिक्स के जितने भी छात्र होंगे और ला ग्रेजुएट होंगे उनको बहुत भली बात याद होगा कि अर्थशास्त्र में बीमारू स्टेट किसको कहा जाता है भारत में बी फार हो गया बिहार एम से हो गया मध्य प्रदेश आर से हो गया राजस्थान और यू, यू से हो गया उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ये मैंने बीमारू स्टेट ऐसे ही आपको स्क्रीन पर समझाने का प्रयास किया है देखें एक अर्थशास्त्र में कॉन्सेप्ट है बीमारू स्टेट जैसे नाम लिया जाता है सिख स्टेट जैसे नाम लिया जाता है वैसे अर्थशास्त्रियों के मानस पटल पर ये राज्य उभर के सामने आते हैं कौन कौन से राज्य हैं बिहार है मध्य प्रदेश है राजस्थान है उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है ये ऐसे जो पाँच स्टेट है, हैं उनको बीमारू राज्य कहते हैं बीमारू राज्य इसलिए कहते हैं कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र महाराष्ट्र पंजाब केरल जैसे राज्यों से ये पिछड़े हुए राज्य हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य राज्य हैं तो बीमारू जो स्टेट हैं इनकी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी है इन राज्यों में आर्थिक अनुदान सहायता वह केंद्र सरकार केंद्र सरकार देती है जिससे कि ये जो राज्य हैं पांच राज्य हैं ये भी अन्य राज्यों के बराबरी में आ सकें परिवार को इसको ऐसे समझा जाए जा, जो परिवार में सबसे कमज़ोर व्यक्ति होता है घर का अभिभावक माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि उस कमज़ोर बच्चे को अपने उस परिवार में जो सक्षम बच्चा है उसके बराबरी उससे आगे तो नहीं कर देना लेकिन प्रयास उनका ये रहता है कि अपने कमजोर बच्चे को उस सक्षम बच्चे के समानांतर खड़े करना करना जिससे कि वो भी विकास के मुख्य धारा में उसके साथ चल सके वरना ये विकास जैसे उदाहरण के रूप में कहें अगर व्यक्ति है व्यक्ति बहुत अच्छा तो है लेकिन उसका एक पैर आ, में पैरालिसिस है जैसे मान पैरालिसिस हो गया है लकवा मार दिया है और एक पैर बहुत मजबूत है तो वह व्यक्ति चलने में सक्षम नहीं होगा ठीक उसी प्रकार से देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों का समग्र विकास हो एक राज्य बहुत मजबूत हो आर्थिक रूप से दूसरा राज्य बहुत कमज़ोर है तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं देश के विकास को प्रभावित करेगा यह ध्यान में रखते हुए केंद्रीय अनुदान केंद्रीय आर्थिक सहायता उन राज्यों को दी जाती है बहुत इस पर डिबेट हो सकता है अब महाराष्ट्र पंजाब जैसे राज्य हैं वे आक्षेप लगाते हैं आरोप लगाते हैं कि हमारे पैसे को उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों बांटा जाए हम जो राजस्व भारत सरकार को देते हैं पैसा देते हैं उस पैसे को गरीब राज्यों को क्यों दिया जाए यह तो एक बा, ऐसी बात हो गई कि परिश्रम में हम लोग करते हैं और उसका पैसा जाता है इन स्टेट में इन राज्यों को क्यों नहीं विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो ये इसके लिए वित्त आयोग बना हुआ है केंद्रीय वित्त आयोग जैसा कि आप जानते होंगे केंद्रीय वित्त आयोग का काम ही यही है कि यह सिफ़ारिश करना कि जितना भारत सरकार के पास पैसा है उस पैसे में से कितना भाग इन बीमारू राज्यों को दिया जाए उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें केंद्रीय केंद्रीय अनुदान का कैसे बंटवारा होता है राज्यों को तो उदाहरण के तौर पर इस समझें कि जैसे सौ रुपये है तो सौ रुपये में तीस रुपया जो है वह इन बीमारू राज्यों को जाता है बचा हुआ जो सत्तर रुपया सेवेंटी रुपीज़ है वह सत्तर रुपये में पूरे देश में जो राज्य महाराष्ट्र है पंजाब हैं उनके विकास के लिए जाएगा तो कहने का बात हो यह सिफारिश कौन करता है यह सिफारिश करता है वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग कहता है कि भारत सरकार का जितना भी पास राजस्व एक वर्ष में विगत एक वर्ष में इकट्ठा हुआ है उस पूरे राजस्व का 30 परसेंट जो है वह गरीब राज्यों पर खर्च किया जाए 70 परसेंट वो अपने पास अन्य खर्चों के लिए रख सकता है तो एक प्रकार से इसकी भी इसका भी डिबेट जो अगड़े राज्य हैं जिसकी जो समर्थ राष्ट्र राज्य हैं आर्थिक रूप से वह आक्षेप लगाते हैं कि इसके इस प्रतिशतता को कम किया जाए जो 30 परसेंट इसको 15 परसेंट किया जाए या केवल 10 परसेंट ही उनको दिया जाए खैर अब इसको आते हैं देखें आगे मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो सहकारी संघवाद को बात करते हैं सहकारी संघवाद से तात्पर्य ऐसा है कि भारत जैसे राष्ट्र में केंद्र और राज्य आपस में समन्वय करके आपस में सूझबूझ से वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए कार्य करें यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संघवाद वे संविधान के कौन से प्रावधान हैं जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं सहकारी संघवाद की बात करते हैं सहकार्य मतलब साथ साथ कार्य करना अर्थात केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मिल के एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न हो विरोध की के स्थिति केंद्र और राज्य में उत्पन्न न हो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने देखा होगा कि वर्ष उन्नीस में पहला ऐसा मौका आया जब नौ राज्यों की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर केंद्रीय शासन लागू किया गया फिर उन्नीस में वही पुनरावृत्ति हुई ठीक तीन वर्ष पश्चात जब केंद्र में सत्ता शासन बदला तो केंद्र में उन्नीस में भी नौ राज्यों की सरकार को बर्खास्त करके और वहाँ पे केंद्रीय शासन लागू किया गया इस आधार पर कि वहाँ पर दलीय असमानता हो गई तो नौ राज्यों की सरकार को आपने बर्खास्त किया हम भी सत्ता में आएंगे तो नौ राज्यों की सरकार को बर्खास्त करके अपनी शासन अब ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने वर्ष उन्नीस में ही कुछ ऐसे प्रावधान किए थे जिससे कि जिसको कि अगर लागू किया जाए तो निश्चित रूप से देश भारत जैसे देश में एक ऐसी आदर्श व्यवस्था हालांकि ये आदर्श स्थिति है आइडियल की बात कर रहे हैं हम और आदर्श और सिद्धांत समांतर केवल एक नार्मेटिव होते हैं उसको प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन होता है तो यह नार्मेटिव है एक आदर्श स्थिति है क्या कि अगर राज्यों के लिए विधि निर्माण कर दें आर्टिकल दो के अंतर्गत कि राज्य यह सहमति दे दें कि उनके लिए कानून संसद बना सकती है मैंने बताया कि अखिल भारतीय सेवा के व्यक्तियों आ, अखिल अखिल भारतीय सेवा के व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र करता है कार्य करते हैं राज्य के लिए और तीसरा ऐसा है आर्टिकल 240 इसमें अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई है 263 के अंतर्गत है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना और अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारण ये ऐसे दो प्रावधान अन्य हैं जिसको कि सहकारी संघवाद तो अब इसमें देखते हैं एक संविधान के अंतर्गत आर्टिकल दो है टू है ये आर्टिकल टू जिसमें प्रावधान किया गया कि अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल स्थापना की जाएगी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की क्यों की जाएगी यह केवल केंद्र और राज्य में संबंध को बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई है जिससे समय समय पर कम से कम एक वर्ष में एक बार मीटिंग हो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कि एक सामूहिक मीटिंग हो जिसमें राज्यों के समक्ष जो मुद्दे हैं राज्यों के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं जैसे कि आर्थिक संकट का होना बेरोजगारी जैसा मुद्दा होना या राज्य में पिछड़ेपन का होना विकास का कम होना इन मुद्दों पर उस मंच के माध्यम से एक साम एक सहमति बने और उसमें कोई एक नया प्रस्ताव नया कानून बनाया जाए जिससे कि राज्यों का राज्यों राज्य भी यह महसूस कर सकें कि केंद्र उनके साथ है, उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रहा है इसलिए अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसी काउंसिल बनाई जाए जिसपे कि कम से कम वर्ष में एक बैठक जरूर होनी चाहिए जिससे जो भारतीय संघवाद है केंद्र और राज्य में जब समन्वय रहेगा तो देश का आर्थिक विकास होगा सामाजिक विकास होगा यह सुनिश्चित करने के लिए ये प्रयास किए गए कि ऐसे ऐसे परिषद ऐसे ऐसे बाड़ी ऐसे ऐसे बाड़ी, बाड़ी बनाई जाएं और भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कार्य भी कर रही है वर्तमान में अब इसके बाद एक अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारे के लिए भी आयोग बनाने की बात की गई है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को प्राय आपने देखा होगा कि सबसे लंबा विवाद जो चला था वह कावेरी जल विवाद चला था चार राज्यों के मध्य जो जो कर्नाटक मध्य प्रदेश पांडिचेरी इन राज्यों में जो जल बंटवारे को लेकर के डिस्प्यूट था बहुत लंबा संघर्ष चला और उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना करना पड़ा कि जल कितना छोड़ना है जल की मात्रा को डिसाइड करना पड़ा कि आप इतना वाटर इसको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे साल में एक वर्ष में तो ये इस प्रकार के अंतरराज्यीय एक दो या दो से अधिक राज्यों में जल संबंधी विवाद न हो ये केवल पावर पॉलिटिक्स होती है जब चुनाव के समय में प्रायः देख रहे होंगे कि राज्य का था नहीं मैं अपने किसानों को भूखा नहीं रहने दूंगा और इस इतना जल छोड़ने से दूसरे राज्य के किसान जो है लाभान्वित होंगे लेकिन मैं मेरे प्रदेश के किसान प्रभावित हो सकते हैं तो इस प्रकार के जो कमज़ोर दलीलें हैं वो कमज़ोर दलीलों के आधार पर हम केंद्र राज्य के मध्य द्वेष को या खाई को नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसलिए अंतर्राज्यीय जल विवाद को निस्तारित करने के लिए भी एक फोरम संविधान में बात की गई है कि एक एक अधिकरण स्थापित किया जाएगा ट्राइब्यूनल इस्टैब्लिश किया जाएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्राइब्यूनल ये सभी प्रावधान केंद्र राज्य में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे अब आते हैं केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध तीसरा है केंद्र राज्य के मध्य फाइनेंशियल रिलेशनशिप वित्तीय संबंध क्या है इसमें आपको देखें मैंने तीन प्रावधान बताने का प्रयास किया संविधान के आर्टिकल स्क्रीन पर देखें 265, 268 एंड 273 संघ और राज्यों में राजस्व का बंटवारा कैसे होगा कौन करता है मैंने आपको बताया वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग और राज्यों को केंद्रीय अनुदान देने की बात ये सेंटर और स्टेट में फाइनेंशियल रिलेशन क्या है केंद्र राज्य में वित्तीय संबंध क्या है ये बताने का प्रयास इस स्लाइड के अंतर्गत करेंगे तो देखिए जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है मैंने संविधान के अंतर्गत जो देश की सर्वोच्च विधि है आर्टिकल टू में प्रावधान किया गया है कि नो टैक्स विदाउट लॉ उसमें एक नियम है संविधान के आर्टिकल टू में प्रावधान किया गया है टू में यही बात लिखी गई है कि नो टैक्स विदाउट लॉ बिना कानून के कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा बात सही भी है ये, ये इसलिए है कि जनता में आक्रोश ना हो जनता ये समझ सके कि बिना कानून के टैक्स नहीं देना है कानून होना चाहिए तभी टैक्स बिना कानूनी प्राधिकार के टैक्स नहीं लिया जा सकता है अब इसी के तहत आपने देखा होगा जो इनकम टैक्स है वो आयकर जो है वह केंद्र का विषय है सेंटर वसूल करती है इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स सेंटर लेती है लेकिन उस इनकम टैक्स में से जितना पैसा भारत सरकार को मिलता है राजस्व जो भारत सरकार को प्राप्त होता है उसका बंटवारा अब कैसे होगा केंद्र अपने पास कितना रखेगी और स्टेट को कितना जाएगा तो सामान्यतः यह बंटवारा करता है एक आयोग है आप सभी जानते होंगे इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे उस आयोग का नाम है वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है उसका एक अध्यक्ष होता है उसके कुछ सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है उनको केवल यही दायित्व ही सौंपा गया है कि वह ऐसे फार्मूला विकसित करें राज्यों के पिछड़ेपन को देखते हुए राज्यों के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम विकसित करें फार्मूला डेवलप करें जो कि राज्यों के आर्थिक विकास को मुख्य धारा देश की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करें तो केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें की जाती हैं कि जो आपके पास राजस्व आया है उससे इतना पैसा आप इन राज्यों को दें सामान्यतः आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य प्रमुख कार्य क्या है वह वह है केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय बंटवारे को लेकर के एक सुझाव देना परामर्श देना सुझाव मानना न मानना ये केंद्र सरकार का विवेक है किसी भी आयोग के द्वारा दिए गए सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है तो ये ध्यान में रखना है अब केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा जो है सामान्यतः जो सिफारिश की जाती है उसमें लगभग 29.5 परसेंट था जैसे कि उनतीस ट्वेंटी परसेंट टैक्स जो है वो सेंटर स्टेट को देगी 70 सेवेंटी परसेंट अपने पास रखेगी मैंने जैसा आपको बताया कि अगर उसको एक लाख रुपया मिलता है उदाहरण के तौर पर तो सेवेंटी थाउजेंड सत्तर हज़ार रुपये केंद्र सरकार रखेगी और तीस हज़ार का बंटवारा जो है वो स्टेट में राज्यों में करेगी ऐसे जितने करोड़ या मिलियन अगर पैसे आते हैं तो थर्टी परसेंट जो है वो स्टेट को जाएगा बांटा जाएगा ये केवल टैक्स का टैक्स की बात हो रही है तो केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध को वित्तीय संबंधों के लिए दो बाडी है केंद्र राज्य को अनुदान मैंने बताया अब इसके बाद आते हैं प्राय ऐसा देखा है देखिए स्क्रीन पर आप देखें केंद्र राज्य संबंध पर आयोग की स्थापना की गई <coughs> कैसे दोनों के मध्य संबंध मधुर बनाए जाए मैंने आपको जैसा बताया ये संविधान लागू होने के बाद ही से सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया राज्य सरकार को बर्खास्त कर किया गया वह पंजाब की पंजाब में लागू किया गया केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 19 ये 1961 की बात है नाइनटीन की बात है जब राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया किसी आधार पर तो राज्य सरकारें प्रायः यह आक्षेप करती रही हैं आरोप लगाती रही हैं कि केंद्र मनमानी करता है वह आर्थिक रूप से भी मनमानी करता है पैसा वसूलता हमको नहीं देता है टैक्स हम देते हैं हमारे नागरिक टैक्स देते हैं और लेकर के टैक्स हमको नहीं देते और दूसरा है कि विधाई संबंध की कानून बना देते हैं जिस भी विषय पर निर्देश देते हैं अनावश्यक इस पर दो महत्वपूर्ण आयोग बने हैं कि केंद्र और राज्य में कैसे संबंध बेहतर बनाए जाएं दो कमीशन की स्थापना की गई एक पहला कमीशन जो बनाया गया प्रशासनिक सुधार आयोग जिसको बोलते हैं स्क्रीन पर आप देखें यह है इसको हम संक्षेप में बोलते हैं एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में बनाया गया प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में जिसके चेयरमैन मोरारजी देसाई थे बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मोरारजी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता अध्य, 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 में वर्ष उन्नीस में नाइन्टीन में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई प्रशासन में केंद्र राज्य मध्य प्रशासन कैसे सुधारा जाए बेहतर किया जाए इसको स्पर्श सुझाव के लिए प्रशासनिक सुधार की अव स्थापना की गई दूसरा आ, सरकारिया आयोग की स्थापना की गई नाइनटीन में सरकारिया आयोग की सिफारिश देश के प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सरकारिया आयोग की सिफारिश ही है जो केंद्र राज्य के मध्य परस्पर संबंध को बेहतर करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यस आर बुम्बई बनाम भारत संघ या आई आर नाइन्टी के केस में भी सरकारिया आयोग की सिफारिश को कोट किया गया रेफर किया गया कि सरकारी आयोग की सिफारिश आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र राज्य में परस्पर सहयोग स्थापित करने के लिए प्रशासनिक सहयोग और बेहतर करने के लिए यह आवश्यक है कि जब राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में उसके कुछ सिफारिशों को उद्धृत करना चाहूँगा यहाँ पे जब किसी भी राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व भारत का राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करे तो उससे पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले लिया जाए जिससे कि अगर परामर्श के पश्चात अगर राज्यपाल उसकी नियुक्ति होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और राज्यपाल में संघर्ष बहुत ही कम होंगे जैसा कि प्राय आपको देखने को मिलता होगा तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए यह सिफारिश सरकारी आयोग की <coughs> केंद्र राज्य में प्रशासनिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो कि स्वयं उच्चतम न्यायालय ने या सर मुंबई की केस में कहा है दूसरा कि राज्य की सरकार कोई भी राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है इसको सुनिश्चित करने के पश्चात ही आर्टिकल तीन लागू किया जाए और तीन लागू करने से पूर्व राज्य को निर्देश दिया जाए प्रशासनिक निर्देश दिया जाए कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है पहले केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्देश दिया जाए कि राज्य की सरकार को और अगर निर्देश नहीं मानती है राज्य सरकार तब आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू किया जाए थ्री फिफ्टी सिक्स लागू किया जाए तो सरकारी आयोग की जो सिफारिशें हैं वह केंद्र राज्य के मध्य परस्पर सहयोग को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और समय अभाव के कारण इसकी सिफारिशों को मैं पूरी रिकमेंडेशन को यहाँ पे संभव नहीं है पढ़ पाना तो मैंने ये प्रयास किया कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के अंतर्गत जितने भी प्रयास सरकारी आयोग की जो सिफारिश है उसको यदि लागू किया जाए तो निश्चित रूप से केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाया जा सकेगा इसी आ, इस व्याख्यान के अंतर्गत मैंने जो केंद्र राज्य संबंध में मैंने केंद्र राज्य विधायी संबंध को देखा आर्टिकल 245, 246 के अंतर्गत 248, 249, 250 के अंतर्गत कब राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय संसद कानून बना सकेगी प्रशासनिक संबंध क्या है सरकारी आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखना है यदि इन सारी सूचनाओं को आप ध्यान में रखते हैं आप साथ करते हैं तो निश्चित रूप से इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो या लिखित परीक्षा हो आप निश्चित रूप से सफल होंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को विराम देता हूँ धन्यवाद थैंक यू